नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। दोस्तों, जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशनर, जो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब उनका महंगाई भत्ता मिलेगा, तो उसको लेकर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी को झटका, 31 अगस्त तक छठे वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छठे वेतन आयोग की सिफारिश को 1 जुलाई 2021 तक लागू करने को कहा था। अब सरकार ने एक बार फिर जो वेतन आयोग का कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने भी इस बजट के दौरान छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें बताया गया है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, जहाँ इस वेतन की सिफारिश को इस साल यानी कि 1 जुलाई से लागू करने का जो प्लान किया था, वहीं बीते सोमवार राज्य की मुख्य सचिव ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छठे वेतन आयोग का जो कार्यकाल है 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले सरकार ने गत 1 अप्रैल को जो जारी नोटिफिकेशन को जारी रखते हुए छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया था। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री की ओर से जो ऐलान किया गया था कि मई माह के आखिरी सप्ते में कैबिनेट की बैठक में आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसला ले लिया जाए, लेकिन बीते सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ और सरकार जो मुलाजिम इंतजार ही करते रह गए। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 और 22 के बजट में ऐलान किया था कि इस साल छठा वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, दरअसल जो गत अप्रैल से ही छठे वेतन आयोग ने राज्य सरकार की अपनी सिफारिशें सौंपी थी और इसमें आयोग ने पंजाब सरकार के सभी मुलाजिमों के वेतन में 2 गुना से अधिक वृद्धि करने की सिफारिश की है। आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में जो न्यूनतम वेतन 6,950 से बढ़ाकर 18,000 जो मासिक रुपए करने का के साथ साथ जो विभिन्न भत्तों में भी इजाफा करने की सिफारिश की थी। आयोग ने नए वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू करने को कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारी ओर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान।